मिल रही है। रीट परीक्षा में बड़ी धांधली का आरोप है। मांढर थाना क्षेत्र के ढिकवाड़ कमला महाविद्यालय का ये पूरा मामला, अभ्यर्थियों ने कुछ को ही पेपर देने का आरोप लगाया, बाकी बच्चों के पास सिर्फ ओएमआर शीट आई, पहले से ही परीक्षा पत्र खोलने का आरोप लगाया गया है। महाविद्यालय परिसर में परीक्षा कक्ष से बाहर आए बच्चे अब गुस्से में हैं, बच्चों के हाथ में ओएमआर शीट है और मौके पर परिजनों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन को इस पूरे मामले के बारे में अवगत करवा दिया गया, शिकायत की गई है, लेकिन बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी पहुंचे थे परीक्षा देने के लिए उनमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। ओएमआर शीट की कॉपी भी वो दिखा रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखिए गुस्सा जाहिर करते हुए। अलवर से बड़ी खबर है, रीट परीक्षा में बड़ी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। मांडल थाना क्षेत्र के ढिकवाड़ कमला महाविद्यालय का पूरा मसला, अभ्यर्थियों ने कुछ को ही पेपर देने का आरोप लगाया और साथ ही बाकी जो बच्चे वहां पर थे उनके पास सिर्फ ओएमआर शीट आई है। परीक्षार्थी ये भी कह रहे हैं कि पहले से ही परीक्षा पत्र खोला गया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। महाविद्यालय परिसर में परीक्षा कक्ष से बाहर बच्चे निकल करके आ गए हैं। पहली पारी की परीक्षा चल रही है 10 से लेकर के 12:30 बजे तक, लेकिन बीच में ये परीक्षार्थी बाहर निकले और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। 12 बजे का वक्त अभी आधा घंटा बाकी था, लेकिन इनका गुस्सा इस तरीके से फूटा कि आरोप लगा रहे हैं कि कुछ को ही परीक्षा का पेपर दिया गया, बाकी जो परीक्षार्थी हैं उनको ओएमआर शीट पकड़ा दी गई है। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ, अगर हुआ है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार, अगर वाकई में जो परेशानी ये बता रहे हैं, जो शिकायत ये कर रहे हैं उसमें सच्चाई है तो फिर ये गंभीर मसला बन जाता है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं अलवर से। अश्विनी, सबसे पहले जो शिकायत कर रहे हैं परीक्षार्थी उसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि ओएमआर की शीट लेकर के दिखा रहे हैं कि हमको सिर्फ ये मिला, बाकियों को पेपर दे दिया गया। देखिए ये जितना परीक्षार्थी यहाँ बता रहे हैं ये पूरी गफलत को बताता है। यहाँ ये कमला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र है जो मांढर थाना के अंतर्गत आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा बॉर्डर पर है, यहाँ से बहुत नजदीक हरियाणा भी है। आप 1-2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ इंटरनेट यूज कर सकते हैं, आपको कहीं पेपर भेजना वो यहाँ से हो सकता है। दूसरी एक बड़ी बात है कि यहाँ जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारियों ने भी माना है, परीक्षा केंद्र के अंदर बुक्स और गाइड मिली है परीक्षार्थियों का। तो ये भी आरोप है कि जो वैन यहाँ पेपर लेकर आई थी, प्रश्न पत्र लेकर आई, उसके अंदर भी गाइड और बुक्स मौजूद थी। कुछ बच्चों को पहले ही ओएमआर शीट भरवा दी गई थी और बाकी बच्चों तक प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचे। लगता है कि कुछ बच्चों तक जो पेपर लेट हुआ है, कुछ बच्चों तक नहीं पहुंचा, उसका कारण ये लगता है कि कुछ बच्चों में, जिनको शायद चाहते बच्चों को ओएमआर ठीक है, अश्विनी जो लंबे वक्त से तैयारी करते हैं और आखिरी वक्त में ऐसा हो जाता है तो गुस्सा होना लाजमी है, वही गुस्सा फूट भी रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।